चलिए तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का वाई फाइ स्टडी चैनल पर स्टडीज पार्ट ऑफ एकेडमी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन फिर से स्टार्ट करते हैं हमने सेशन को देखो आई चैलेंज हमारा जो है एज ऑलवेज पहले हम 10 क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे फिर हम 25 क्वेश्चन के सेट पे जाएंगे फिर 10 के दम के दो सेट होंगे और फिर एक पेपर होगा ठीक है तो इस हिसाब से अपना पूरा कोर्स जो है सुबह नौ बजे हो रहा है चाहे एस रेलवे हो या कोई और एग्जाम हो अगर आपका कोई और भी एग्जाम है या फिर कोई सा भी एग्जाम है एक बार कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए गुड मॉर्निंग एवरीवन जल्दी से एक बार बुक्स पे अपने एग्जाम का नाम लिखेगा फिर स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को मैक्सिमम जो है बच्चे अपना एग्जाम का नाम लिख दीजिए उससे आपको कंटेंट अवेलेबल रहेगा अगर आपका एग्जाम ठीक है कोर एग्जाम्स में से है जो हम पढ़ा रहे हैं इस समय ठीक है लाइक एस हो गया रेलवे हो गया डिफेंस हो गया ठीक है स्टेट एग्जाम्स हो गया चलिए टेलीग्राम भी जुड़ जाना अमन सर वाइफे स्टडी ऑफिशियल सर्च करोगे तो टेलीग्राम अमन सर वाइफ स्टडी ऑफिशियल पूरा सर्च करिएगा उसमें सर्च करते ही ऊपर सबसे पहले जो ग्रुप आएगा जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे कनेक्टेड होंगे उसमें जुड़ना क्योंकि उसमें पूरा कंटेंट सिलेबस पूरा कवर करोगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी मैं हमेशा कहता हूँ इट्स ऑल डिपेंड्स कि सिलेबस कितना कवर कर रहे हो ठीक है आप ब्लैक सीरीज पढ़ रहे हो ये वाली तब भी सिलेबस कवर हो रहा है लेकिन फिफ्टी परसेंट 100 परसेंट करना है तो 100 टॉपिक की पीडीएफ जरूर पढ़ें ठीक है ये सिलेबस है 100 टॉपिक की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल है उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है कोई भी बच्चा उसे ना छोड़े 100 चैप्टर बहुत ज़रूरी लिस्ट है पूरी दे रखी है प्रॉपरली देखिए आज डाउट का फीचर एस एस के नोट्स और ये फिफ्टी सेव कर सकते हैं एक साल का फ्री एक्सटेंशन भी है ठीक है नए नए बैचेस में ये सब आइकोनिक सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हैं तो आपको एसएससी गोल रेलवे गोल में कोड लाइव ओवन से मिल जाएगा स्टार्ट करें पहले दस में से छ ले आओगे जल्दी से कमेंट कर रहा है में से छ ले आओगे सभी के सभी जितने बच्चे देख रहे हैं पहला तो हम स्टार्ट ही में से छः का करते हैं ठीक है टू एटी एट पेज पे मैंने कल लास्ट कहा था कि इधर से मैं स्टार्ट करूंगा आपका ठीक है वहीं पे पहुंच जाते हैं सीधा टू एटी एट पेज पे जल्दी से बताओ में से छः आ जाएंगे ना आराम से जहाँ तक मुझे लगता आ ही जाएंगे ठीक है यहां से हमने स्टार्ट करना था चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दसवें से छह आराम से आने चाहिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने इस क्वेश्चन का आंसर बताइए चित्रगुप्त टेम्पल कहां पे है जल्दी से बताइए चित्रगुप्त ठीक है टेम्पल कहां पे लोकेट है थोड़ा सा मुश्किल है वैसे एक बड़ी फेमस मूवी है जिसमें चित्रगुप्त को दर्शा रखा है है ना साउथ इंडियन मूवी है वो वैसे है ना आंसर क्या है इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइएगा चित्रगुप्त टेम्पल कौन सी स्टेट में है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है तो आंसर क्या है आंसर बी बताए एक बच्चे ने आंसर तमिलनाडु है बिल्कुल सही जो स्पीड में ना बताए वो आंसर ना ही बताए ठीक है थेके? वैसे एक टीचर को बड़े आराम से धैर्य से बड़े प्यार से समझाना चाहिए बताना चाहिए चीज़ चीजों को और मैं भी इस चीज को मानता हूं ठीक है पर्सनली मैं मानता हूं इस चीज को लेकिन भाई मैं जी के पढ़ा, पढ़ा, पढ़ा रहा हूं ठीक है जी के पढ़ा रहा हूं अगर मैं मैथ पढ़ा रहा होता ना मैं बड़े आराम से पढ़ाता एक एक चीज कैलकुलेट करके दिखाता आपको जीएस में ना कुछ ऐसा कुछ रहता नहीं है कि हम एकदम बिल्कुल स्लो चलना है हम जितना स्पीड में पढ़ेंगे उतना बढ़िया रहता है उससे हमारा माइंड तेज होता है ठीक है जीएस की अगर बात करें बाकी सारे सब्जेक्ट में आराम से पढ़ना चाहिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की अगर मैं बात करूं तो कहाँ पे एटॉमिक वर्ल्ड लिखा है तो आंसर वेनाट्रिया होना चाहिए अगर एटॉमिक ना लिखा होता तो वेना आंसर ना ओखे पेरिस okay, हो जाता आंसर ठीक है आंसर इस क्वेश्चन का वेना ऑस्ट्रिया दूसरा क्वेश्चन सही होगा तीसरा देखिए कुशांस रूलर जो थे उन्होंने कौन से साम्राज्य को ख़त्म किया था बहुत प्यारा क्वेश्चन है वैसे ये कुषाण रूलर्स ने कौन से साम्राज्य को ख़त्म किया था कुशांस रूल्स वोट टू अच्छा इन कुषाण रूल्स को किसने ख़त्म किया था सवाल उल्टा है कह रहा भाई कुषाण के जो साम्राज्य है उसको किसने ख़त्म किया था ये पूछा जा रहा है बताइए किसने ख़त्म किया था कुशांश के रूल्स को तो आज से इस क्वेश्चन का हिंदू शाही डाइनेस्टी ने ध्यान रखना दोबारा सुन लो

सबर करो जैसे सी एच एस एल की आंसर की आई है वैसे जीडी का रिजल्ट भी आ जाएगा ठीक है और जब आएगा तो सीधा दौड़ने लग जाना है ना आएगा पंद्रह तारीख या बीस तारीख से पहले पंद्रह तारीख से पहले सॉरी ठीक है नागालैंड इस क्वेश्चन का आंसर है पांचवा क्वेश्चन देखिएगा बहुत प्यारा क्वेश्चन है कौन सा ऐसा शासक था जो जीवन के आखिरी समय में जैनिज्म में बदल गया मतलब कन्वर्जन किया रिलीजियस कन्वर्जन जो हुआ था जीवन के आखिरी समय में हुआ ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का चंद्रगुप्त इस क्वेश्चन का आंसर है क्योंकि चंद्रगुप्त जो है जीवन के आखिरी समय में जैनिज्म को अपनाए थे साउथ की तरफ चले गए थे है ना जैनिज्म को अपना के एक और क्वेश्चन देखिए छठा क्वेश्चन बताइए अशोका जो है कौन से बुद्धिस्ट मोंग से इन्फ्लुएंस हुए थे कि भाई हाँ अशोक ये बहुत बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है आज आज ये वाले क्वेश्चन वो करा रहा हूँ मैं जो आपके पेपर में बहुत बार आए ये पेपर के क्वेश्चन आए हैं ठीक है अशोका कौन से बुद्धिस्ट मोंग से इन्फ्लुएंस थे तो आंसर है उपगुप्ता ठीक है और श्रीलंका वाले अलग मानते इसको ठीक है सातवां क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपसे किसी भी पैनल पे क्वेश्चन पूछ सकता है तो एक आपके सामने क्वेश्चन आपके समक्ष एक सवाल बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का भाई पहले ना एक बार ना सारे प्यार से ना अपने एग्जाम का नाम लिखो तुमने स्टार्टिंग में मैंने पूछा तुमने नहीं बताया जब तक तुम लिखोगे नहीं ना मजा नहीं आता है ठीक है दो तीन चीजें हैं जरूर करो करो एग्जाम का नाम लिखा करो एम टी एस है एम टी एस लिखो ए एल पी है ए एल पी लिखो आर पी एफ है आर पी एफ लिखो जो एग्जाम है एटलीस्ट लिखो इससे आप ही को फायदा होगा क्योंकि मैं दो ही क्लासेस करा रहा हूँ दो ही क्लासेस में कोर्स कवर कराना चाहता हूं सुबह नौ और शाम को साथ में और मैं सभी एग्जाम्स का करा दूंगा ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बाईस फैनल किसके बीच में इजिप्ट और सूडान के बीच में किसके बीच में इजिप्ट और सूडान के बीच में ठीक है आठवां क्वेश्चन देखिए बताइए धनकारा डांस वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन ठीक है अब बताइए इस क्वेश्चन का हंकारा डांस जो है ये कौन सी स्टेट का डांस फॉर्म है हंकार हंकार याद रख लो ठीक है आंसर के इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइएगा मुश्किल है थोड़ा सा नया क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सारा ही तो फंसेगा ये क्वेश्चन आंसर के इस क्वेश्चन चलिए तो आंसर है पंजाब ठीक है हंकार हंकार ऐसे याद रखो पंजाब से ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन का पंजाब पन, के आपने बहुत कॉमन सुने होंगे गिद्दा हो गया लुड्डी हो गया भांगड़ा हो गया बट ये भी एक डांस पंजाब का है तो शायद कईयों को नहीं पता पंजाब वालों को नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है नौवा क्वेश्चन देखिए ठीक है बड़ा अच्छा क्वेश्चन आसान है भाई एक आसान क्वेश्चन न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बड़ी सिंपल सी बात न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बताइए आंसर के इस क्वेश्चन ठीक है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है प्रोटोन और न्यूट्रोन होते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन दसवां क्वेश्चन दस क्वेश्चन में से छः नंबर सही होंगे आराम से सभी के चैलेंज तब आएगा जब पच्चीस में से आपको तेईस चौबीस और पच्चीस लाने होंगे ठीक है अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वो वाला चैलेंज ये आसान है आयरन मैन ऑफ इंडिया हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले लिखो पास फेल छे प्लस है तो पास लिखो और छ माइनस है तो फेल लिखो ठीक है और जो लाए हैं वो भी पास ही लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है स्टार्टिंग में पास होना जरूरी है फिर हम टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं ये ये टेस्ट नहीं था ये सिर्फ और सिर्फ तब तक का कहानी था जब तक का सारे बच्चे जुड़ नहीं जा रहे थे ठीक है एक दो मिनट लगा ही देते हैं सारे है ना चीफ गेस्ट है हमारे क्लास में बहुत सारे पाँच सभी ऑलमोस्ट चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट को पच्चीस क्वेश्चन पूरे पच्चीस नंबर लाने कोई कहेगा सर पूरे पच्चीस नंबर कैसे आएंगे आएंगे कितने बच्चों के आएंगे दस बीस बच्चों के सिलेक्शन कितनों का होगा इसी क्लास में से दस बीस बच्चों का ठीक है लेट सी के कौन ले रहा है ठीक है और मैं ये नहीं कह रहा कि आज जिसके आएंगे उसी का होगा ट्राई करो आप तीन दिन लगातार ट्राई करो पच्चीस में से पच्चीस लाने की एक दिन तो आएंगे ठीक है पांच दिन लगातार ट्राई करो एक दिन तो आएंगे यस स्टार्ट करें एक बारी पच्चीस में से पच्चीस ले आओगे यस एक बारी यस लिखो ट्राई कर सकते हैं पूरा ट्राई कर सकते हैं चलिए तो पच्चीस में से पच्चीस पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने इसमें से कौन सा एग लिंग एलिमेंट है ठीक है बताइए इसमें से कौन सा एग्लेंग एलिमेंट है एनिम मैमल है ठीक है एग ले करता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन ट्राई योर बेस्ट आंसर क्या इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आंसर है आंट ईटर ठीक है स्पिनी आंट ईटर जो है ये एग लेंग मैमल है थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे अलग ही आंसर लगा रहे हैं चमकादर लगा दो कुछ तो बताइए नेस्मिट ट्रॉफी एक और नया क्वेश्चन नेस्मिट ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट से संबंधित ट्राई योर बेस्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का नेशनल ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट से संबंधित है बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का समय पूरा दिया जा रहा है कि आप सही आंसर दें 25 में से 25 छात्रों में सबके आंसर में स्कोर में आंसर है इस क्वेश्चन का कि नेशनल ट्रॉफी जो है बास्केटबॉल से संबंधित है वैसे बास्केटबॉल के सोने भी बड़े यूनिक हैं तो उसमें से एक यूनिक क्वेश्चन यह भी हो गया है ना सीजीएल की वैकेंसी आई है 7500 ठीक है वैकेंसी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि ज्यादा ये कम है ये द प्रोसेस की तीन महीने आपको पूरे मिल रहे हैं सिलेक्शन ले सकते हो ठीक है तीसरा क्वेश्चन कुवैत की कैपिटल करेंसी क्या है ठीक है कुवैत की कैपिटल जिसको तीन महीने मिल रहे हैं सीजीएल के वो तो भैया सो चैप्टर ना दस बारी रिवाइज करना आपकी जीएस सारी कवर कर देगा कुवैत जो है इवन एमटीएस वालों को भी अच्छा टाइम मिल रहा है कि वो दस बारी जीएस रिवाइज कर सकते हैं कर रहे हैं कुवैत का कुवेद, सिटी और दिनार, इस क्वेश्चन का आंसर चौथा क्वेश्चन देखिएगा सिविलाइजेशन कैसी थी हड़प्पा की जो अर्थव्यवस्था थी मुख्य रूप से कैसी थी ठीक है ना तो रूलर थी ग्रामीण थी औद्योगिक था शहरी था पूंजीपति थे आंसर क्या इस क्वेश्चन का दे वर ऑलमोस्ट इकोनॉमिकली अर्बन ठीक है अब लिखे रूलर रूरल एग्रीकल्चर होता तो रूरल लिखते ना ठीक है अर्बन इकोनॉमी थी भैया ठीक है गया क्वेश्चन ये एक और क्वेश्चन देखिए पांचवा क्वेश्चन चैलेंज को फोकस नहीं करते हैं बच्चे ये सोचते हैं जो आएगा आ जाएगा यही कमी है तुम्हारी सिलेक्शन ना लेने का यही कारण है जो आएगा कैसे आ जाएगा जब पच्चीस पच्चीस लाने हैं तो कितना एफर्ट करना पड़ता है लार्जेस्ट सी दुनिया का सब जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है साउथ चाइना सी मेडिटेरियन मत लगाना गलत हो जाएगा ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा छठा क्वेश्चन हाँ जी बहुत मुश्किल क्वेश्चन कह रहे हो सर हम तो सारे फेल हो गए पच्चीस में पच्चीस किसी के नहीं आएंगे अब ठीक है स्पॉन्डिलाइटिस जो है ये शरीर के कौन से भाग पे ये जो बीमारी है ये कौन से शरीर के भाग पे इफेक्ट करता है कमेंट करिए यही चीज है ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का फंस गया वर्टिकल कॉलम जो हमारा रीढ़ का हड्डी होता है उस पर दिक्कत करना है कुछ बच्चे जानते भी हैं ये सवाल और सही भी कर रहे हैं ठीक है ठीके? जिनकी साइंस अच्छी है सातवां क्वेश्चन और मैं तो इस रेलवे वाले एग्जाम को लेके मतलब रेलवे के बच्चों को भी थोड़ा फोकस कर रहा हूँ तो मैं इस क्लास में साइंस पर बहुत क्वेश्चन ला रहा हूँ ठीक है हाँ जी आंसर अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट जज की जो अपॉइंटमेंट होती है सेट में वो किसके द्वारा की जाती है अपॉइंट कौन किया जाता है ना सर तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर है कि गवर्नर जो है वो अपॉइंट करते हैं बट द थिंग इज खेल यहां पे है कि गवर्नर तो ऊपर भी अपॉइंट कर रहे हैं कंसल्टेशन हाई कोर्ट की ले रहे हैं कि नहीं ये गेम है सारी दिस इज द गेम और तुक्के में आप गवर्नर ऊपर नीचे का कोई सा भी मत लगा देना कंसल्टेशन वाला लगाना ऐसे क्वेश्चन बड़े खतरनाक होते ध्यान रखना चलिए आठवां क्वेश्चन देखिए बताइए एसेटेमाइड जो है ये क्या होता है आज क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हैं 25 में 25 तो रेयर ही आएंगे 10 का दम में भी रेयर ही आप जीतोगे आज फेल ही हो सारे के सारे कोई दिक्कत नहीं है इस क्लास में फेल होना ना बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन इस क्लास में फेल होने के लिए आना ही नहीं बहुत बड़ी बात है फिर तो पक्का फेल हो पेपर में ठीक है ध्यान रखना एसेटेमाइट जो है

जैसे ये है कि भैया ये जो है गुजरात अहमदाबाद नहीं है गांधीनगर होना चाहिए गुजरात के साथ ऑब्वियसली है ना बाकी सारे सही है गुजरात का गांधीनगर होना चाहिए है दसवां क्वेश्चन देखिए ह्यूमिडिटी मेजर करनी है एक आसान क्वेश्चन आया अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन यही है कि ह्यूमिडिटी मेजर कैसे करते बताइए बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का ह्यूमिडिटी कैसे मेजर की जाती है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है देखो ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए क्या सिस्टम है देखो अगर आपका एग्जाम अभी एक महीने बाद है ना अभी जैसे चौथा महीना है पाँचवा महीने में करंट अफेयर पे इतना काम मत करो जितना काम आपको जीएस और साइंस पे करना चाहिए करंट अफेयर जो पेपर के दस दिन बचे होंगे ना भाई मैं खुद करा दूंगा करंट अफेयर सारे ठीक है जीएस पे काम करो जीएस पे मेहनत करो जीएस के चैप्टर बार बार रिवाइज करो करंट अफेयर तो दस दिन में जो पढ़ लो उसमें से कुछ आ जाए तो आ जाए ये गेम होती है करंट अफेयर की सीधी बात ठीक है करंट अफेयर ऐसा होता है हाइग्रोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है ग्यारहवा क्वेश्चन दुनिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन प्रेजेंट इन आर कंट्री दुनिया का नहीं इंडिया का ठीक है क्योंकि दुनिया का तो न्यू इंग्लैंड है बताइए आंसर इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन कौन सी स्टेट में इस क्वेश्चन का आंसर किया ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का कोलकाता इस क्वेश्चन का आंसर है एक और क्वेश्चन देखिएगा अच्छा क्वेश्चन था सीधी धमाल ये कौन सी स्टेट का डांस फॉर्म है बताइए ये बारवां क्वेश्चन जो है सीधी धमाल कौन सी स्टेट का डांस फॉर्म है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ट्राई करो बताओ आंसर क्या इस क्वेश्चन हेलो डियर मोटिवेशन सुबह सुबह ही तो क्लास लेनी होती है कब लोगे रात के बारह बजे के बाद है ना सुबह ले ली रात को ले ली क्लास और बीच में दे दिया गैप ठीक है आपकी सेल्फ स्टडी का आंसर क्या इस क्वेश्चन को गुजरात तेरहवा क्वेश्चन देखिएगा बताइए ताइबान की कैपिटल और करेंसी क्या है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइए कमेंट करिए ताइबान ताइबान देखो नाम से थोड़ा बहुत समझ आ रहा है ताए से ताए ताय से ताए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का जल्दी लगाए आंसर इस क्वेश्चन ताइपी और डॉलर इस क्वेश्चन का आंसर है ठीक है टाइपियो डॉलर इस क्वेश्चन का आंसर है पंद्रह फोर्टीन क्वेश्चन महाराणा प्रताप ठीक है इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सी स्टेट में है इससे सरल स्वभाव नहीं हो सकता कोई इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता भाई ठीक है अगर तुम ये भी गलत करो तो तुम्हारे बड़े ज़्यादा बुरे हाल हैं ठीक है महाराणा प्रताप ठीक है आंसर राजस्थान अकबर महाराणा प्रताप कंपटीशन ठीक है घुटने तो ना टेकना चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा किंग जो बिंबी सारा थे उनकी कैपिटल क्या थी ठीक है हरंक्या किंग बिंबी सारा की कैपिटल क्या थी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ट्राई योर बेस्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइए चलो तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का हरंक्या किंग जो बिंबी सारा थे उनकी कैपिटल क्या थी वैशली वैशली दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र माना जाता है ठीक है इस पर क्वेश्चन आ रखा है दुनिया का सबसे पहले गणतंत्र पे ठीक है सोलह क्वेश्चन देखिए बॉक्सिंग एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जो है इसके अभी ये क्वेश्चन होते ही पच्चीस में से पच्चीस होते ही दस का दम चलेगा ठीक है मैं आउट ऑफ आउट वाला चैलेंज करा रहा हूँ कुछ दिनों से क्योंकि मेरे को ये पता है कि हम एक या दो नंबर अभी क्यों छोड़ रहे हैं जब हम अप्रोच कर सकते हैं आउट ऑफ आउट नंबर्स को तो हम क्यों छोड़ें एक दो नंबर है ना कभी कभी छोड़ देते कि जब मुश्किल हो क्वेश्चन आंसर इस क्वेश्चन का लिजेंड स्विजरलैंड स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आया तो यही आंसर लगता 99%. है नाइन्टी राज्यसभा एक परमानेंट हाउस क्यों है बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का राज्यसभा एक परमानेंट हाउस क्यों है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है एक बच्चे ने अभी अभी में लिखा है सीजीएल में तो सिर्फ सात सात हजार पांच सौ वैकेंसी शो की हैं अब क्या करे सीजीएल में ठीक है हर साल पेपर कराएगा तो कुछ तो करेगा कुछ कम तो होगा ही ना है ना आंसर नेवर डिजोल्व इस क्वेश्चन का आंसर है सही है बिल्कुल गढ़बात फेस्टिवल कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है इस क्वेश्चन तो का आंसर क्या है ठीक है चलिए तो गढ़बात कहाँ का फेस्टिवल है जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिए है ना आंसर क्या इस क्वेश्चन का देखो जैसे गढ़बात फेस्टिवल जो है ये कौन सी स्टेट का जम्मू कश्मीर का फेस्टिवल है ठीक है चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है यस यस बिल्कुल बिल्कुल बकरेश्वर पावर थर्मल आ, पावर प्लांट जो है थर्मल पावर प्लांट कौन सी स्टेट में है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है चलिए जैसे बकरेश्वर थर्मल पावर प्लांट की अगर मैं बात करूं तो ये वेस्ट बंगाल में है क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आ सकता है बीसवा क्वेश्चन देखेगा धोड़ी गंगा डैम कहाँ पे गंगा है तो यार गंगा कहाँ पे होनी चाहिए सोच समझ के बताओ आंसर क्या होगा ठीक है धोड़ी गंगा कहाँ पे होनी चाहिए तो आंसर इस क्वेश्चन का उत्तराखंड है क्योंकि गंगा तो भैया मध्य प्रदेश आसाम और महाराष्ट्र में नहीं हो सकती अगर मैं अगर थोड़ा सा एजुकेटेड गैस लगाऊँ तो मैं यही लगाऊंगा है ना चलिए इक्कीसवा क्वेश्चन है बेटा पच्चीस में से पच्चीस आने चाहिए एक दो बच्चों के एटलीस्ट दस बच्चों के पेपर में इस वाले में पच्चीस से पच्चीस आने चाहिए आज दस बच्चों के आएंगे कल दूसरे दस बच्चों के आएंगे कल परसों तीसरे दस बच्चों सो चैप्टर जितने बढ़ोगे उतना आप अपने पच्चीस में से पच्चीस टारगेट के करीब पहुंचोगे मैं आपको बता रहा हूं रिवाइज इट मैक्सिमम टाइम आपका सारा चैप्टर उसी में ही है ठीक है आज से क्वेश्चन का बंगलोर ब्लू चैलेंज कप जो है बास्केटबॉल से संबंधित है ठीक है पास फेल लिखना सीधा और स्कोर मत लिखना वेदा का मतलब क्या होता है वेदा वर्ड जो विद से डिस्क्राइब होता है इसको हम क्या कहते हैं विद्यालय ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा विद्यालय बहुत ही आसान क्वेश्चन क्या है आंसर तो आंसर इस क्वेश्चन का नॉलेज तेईस इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के हेडक्वार्टर कहां पे वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है शाम को सात बजे आप में से कौन कौन रेगुलरली आ रहा है सुबह नौ बजे के साथ साथ दोनों क्लासेस पढ़ रहे हो तब फायदा है ब्लैक सीरीज तभी तो कंप्लीट होगी पूरी कंप्लीट करनी है तो दोनों क्लासेस देखनी ठीक है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं ठीक है चलिए तो आंसर इस क्वेश्चन का ये भी दोबारा स्पोर्ट्स भाई कितने स्पोर्ट्स क्लब हैं यहाँ पे मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स ही स्पोर्ट्स है स्पोर्ट्स कंट्री क्यों नहीं लिख देते इसे चौबीसवा क्वेश्चन ये मैसी कौन से खेल से संबंधित है कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर क्या देखो मैसी जो है कौन से खेल से संबंधित है अगर तुम ये ना बता पाए तो भैया बहुत बुरे हाल है तुम्हारे आंसर इस क्वेश्चन का फुटबॉल रोनाल्डो मैस्सी ये सब पच्चीसवा क्वेश्चन पच्चीस में से पच्चीस आए होंगे तो पास लिखना अदरवाइज फेल लिखना नहीं तो फिर मैं दस का दम स्टार्ट करा ही रहा हूं ठीक है इसके बाद दस का दम होगा दस कदम फूट फूट के रखने एकदम सही होने चाहिए 25 में से 25 लंबा रेंज है क्वाइट पॉसिबल किसी के ना आए हों लेकिन 10 में से 10 तो छोटा रेंज है इस रेंज में तो आप ला सकते हो एक एक क्वेश्चन सही ठीक है मैं उम्मीद कर रहा हूँ ठीक है बेटा टेलीग्राम अमन सर वाई स्टडी ऑफिशियल पर नोटिफिकेशन आता सारा आंसर है कर्नाटका फेल पास लिखो सारे के सारे पच्चीस में से पच्चीस आए तो लिखो पास अदरवाइज सारे लिख दो फेल और कोई वो नहीं है कि आ नहीं सकते हैं बड़े आराम से आ सकते हैं ठीक है यह मत सोचना कि बड़ा मुश्किल काम है पच्चीस में से पच्चीस लाना तो ये सारे फेल ही होंगे ऐसा नहीं है सारे फेल होंगे जो सिलेक्शन लेने वाला है वो इस क्वेश्चंस को करके पास होगा ठीक है तुम फेल हो रहे हो तुम अपना देखो सारे ठीक है पढ़ लो सो चैप्टर नहीं पढ़ रहे तब ऐसे हाल है चलिए दस का दम एक एक कदम फूट फूट के रखें ये नहीं हो पाया कोई दिक्कत नहीं है ये होना चाहिए और मैं कह रहा हूं इसमें सो दो सो बच्चा दस का दस लेके आएंगे सही स्टार्ट कर रहे हैं पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने डेजर्ट नेशनल पार्क सो दो सो क्वेश्चन सो, सो दो सो बच्चा ऐसा है जो दस में से दस लेके आने वाला अभी ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का ठीक है कह कैर डेजर्ट नेशनल पार्क कहां पे भी है डेजर्ट कहां पे होगा जल्दी से बताइए ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है तो राजस्थान है दूसरा क्वेश्चन देखिएगा नॉट अ सिंथेटिक फाइबर इसमें से कौन सा सिंथेटिक फाइबर नहीं है ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा जैसे मैंने रात को साढ़े ग्यारह बजे कुछ वाइट सीरीज के कुछ क्वेश्चन कराए थे ना वो बिल्कुल धाकड़ क्वेश्चन है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बस आज आज का दिन कवर करा लूँ फिर मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो आपको और फायदा देगी ये कवर होते ही दूसरा सीरीज स्टार्ट होगा आंसर क्या इस क्वेश्चन का कोटन है क्योंकि ये तो नेचुरल है तीसरा क्वेश्चन देखिए नायवेली थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है जल्दी से बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का नावेली थर्मल पावर स्टेशन कहां पे है बताइए बेटा रेलवे वालों के लिए कंटेंट बिल्कुल सही रहेगा मेरा कंटेंट यूनिवर्सल है कोई भी बच्चा जब जीएस की तैयारी करता है ठीक है तो वो सो चैप्टर पढ़ सकता है उसको फायदा होगा चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है तमिलनाडु इस क्वेश्चन का आंसर है चौथा क्वेश्चन देखिएगा नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया जो है संबंध ये कौन सा संबंध है हमारे जो नेशनल कैलेंडर है वो कौन सा संबंध है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कैलेंडर कौन से संबंध से है जल्दी से बताएगा चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है साका सम्मत पांचवा क्वेश्चन देखिएगा देखिए कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो फर्स्ट भारत रत्न अवार्डी थे राष्ट्रपति है जो ठीक फर्स है फर्स्ट भारत रत्न अवॉर्डी है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताएंगे चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर एस राधा कृष्ण इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है छठा क्वेश्चन एस राधा कृष्ण के ऊपर क्वेश्चन वैसे भी आता है ठीक है जी फंडामेंटल राइट right पे रिस्ट्रिक्शन कौन लगा सकता है ये क्वेश्चन सोच समझ के आंसर लगाना रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात हो रही है फंडामेंटल राइट रद्द करने की बात नहीं हो रही ठीक है थेके? कि फंडामेंटल रहेंगे राइट right. लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शन लगेगा कौन कर सकता है आंसर इस क्वेश्चन का पार्लियामेंट होता क्या है यही भी आप फेल हो गए अगर तुम दसवें से दस ला रहे थे ना तुम यहाँ पे प्रेजेंट लगा के फंस जाओगे ठीक है है ना चलिए तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आंसर क्या है सातवां क्वेश्चन फर्स्ट यूएस प्रेजिडेंट विजिटेड इंडिया पहले अमेरिकन राष्ट्रपति जो विजिट किए इंडिया में इस क्वेश्चन का आंसर क्या है सातवां क्वेश्चन बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है देखो ये क्वेश्चन जो है ना इस क्वेश्चन का आंसर बिल क्लिंटन मत लगा देना ठीक है वॉशिंगटन डी सी एनो जो वॉशिंगटन आंसर बी है इस क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन देखिए आठवां क्वेश्चन सबसे ज्यादा कौन सी भाषा पूरे दुनिया में बोली जाती है आसान क्वेश्चन है सब बता सकते हैं आसान क्वेश्चन है सब बता सकते हैं ट्राई करो अपना फोकस से आंसर बताओ ठीक है देखो पहले मैंने दस किया ठीक है पहले मैंने दस किया दस से में से आप छः लाए ठीक है फेल हो गए पच्चीस में से पच्चीस बोले नहीं ला पाए फेल हो गए दस में से दस बोले नहीं ला पाए फेल हो गए मैं दोबारा पच्चीस में से पच्चीस पूछता हूँ मैं दोबारा पच्चीस में से पच्चीस पूछता हूँ मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि दोबारा पास होकर देखोगे ठीक है नौवा क्वेश्चन देखिएगा मिल्क की प्योरिटी किससे बेजर की जाती पर्पस ये नहीं है कि आप सात क्वेश्चन सही करते हो पर्पस ये है कि तुम पास नहीं हो पाते हो यही तो समझो कि आप किसी भी सब्जेक्ट में बढ़िया कर लो जब तक तुम पास नहीं हो तो सारे सब्जेक्ट करे कराए बेकार हैं अगर मेरा चैलेंज क्रॉस नहीं कर पा रहे तो कितने ही ज्ञानी हो कितने ही सही हो नो सही हो बेकार है तुम्हारे क्योंकि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ ये समझो लेक्टोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है दसवा क्वेश्चन वेपर से सीधा सोलिड में अब मैं दोबारा पच्चीस ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं ठीक है क्योंकि अपने पास फुल समय है पच्चीस क्वेश्चन पूछता हूं पूरा फोकस करना सो बच्चा एटलीस्ट पच्चीस में से पच्चीस का इस क्वेश्चन का आंसर सबलिमेशन ठीक है फेल बताओ कितने हो दस में से दस लाए हो तो पास लिखना अदरवाइज नंबर मत लिखना फेल लिखना सीधा कि सर दोबारा फेल हो गया हम दो हम आउट ऑफ आउट ला ही नहीं पा रहे आपके क्लास में इतने आसान क्वेश्चन होते हुए नहीं ला पा रहे ठीक है जल्दी से लिखिए खेल कौन है ठीक है पास हो तो बहुत बढ़िया दोबारा मैं पच्चीस में से पच्चीस का एक पेपर करा रहा हूं लेट सी कि अब पच्चीस के पच्चीस पेपर में कितने लेके आते हैं अब अब तो इतना एनर्जी आ गया होगा कि हां पच्चीस से पच्चीस ले आएंगे दस मिनट में पच्चीस में से पच्चीस लाने हैं लेट सी कौन कौन लाता है बहुत सारे बच्चे पास हो रहे हैं भाई पेपर में इसमें स्टार्ट कर रहे हैं पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने पच्चीस 25 में पच्चीस 25 का टारगेट है फुल स्पीड में आंसर क्या इस क्वेश्चन का अच्छे क्वेश्चन है फसोगे फेल बहुत सारे हो गए ट्राई करो मैरिटेड डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है जल्दी से बताइए <coughs> बताइए इस क्वेश्चन का आंसर मेरिटेड डे किस दिन ऑब्जर्व किया था आप अकेले फेल होने वाले नहीं हो इस क्लास में आधे से ज्यादा जनता जो है फेल हो रही है चैलेंज ही ऐसा है ठीक है बस ये देख लो कि पास कौन हो रहा है वो चैलेंज से बहुत ऊपर उठ चुके हैं दस बार रिवाइज कर चुके कंटेंट को तीस जनवरी इस क्वेश्चन का आंसर है दूसरा क्वेश्चन देखिएगा सबसे बड़ा ड्यूरेशन कौन सा होता है ठीक है इनमें से जैसे अगर देखा जाए दिन हो गया महीना हो गया साल हो गया साल के बाद आगे अवधि होगी अवधि के आगे युग हो गया ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का चलिए तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का युग होता है ठीक है युग होता है सबसे बड़ा है। तीसरा इंडियन बैंक के हेडक्वार्टर इसमें तो बिल्कुल पास नहीं हो सकते तुम ठीक है आंसर के इस क्वेश्चन का कमेंट करिए जल्दी से बताइए बेटा थ्योरी के ज़माने गए इसलिए स्लो पढ़ने के भी जमाने गए जब थ्योरी पढ़ेंगे स्लो पढ़ेंगे ठीक है कहानियां बताएंगे आपको बैठ के ठीक है वेस्ट करेंगे आपका भी टाइम आंसर चेन्नई इस क्वेश्चन का आंसर बट अभी नहीं अभी टेस्ट चल रहा है मॉरेन आर्ट में सबसे बेस्ट क्या था जल्दी से बताइए व्हाट वाज द बेस्ट इन मॉरेन आर्ट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर और ये क्वेश्चन खेल गया अगर आप पच्चीस में पच्चीस लाने वाले थे आप इसमें फेल कर जाओगे आंसर क्या है इस क्वेश्चन का कि भैया इसमें खंबे सबसे प्रसिद्ध थे बच्चे क्या करते हैं इसमें से स्तूपा लगाते हैं अगर आपको मैं आंसर ना बताऊं स्टार्टिंग में जल्दी से तो आप स्तूपा लगाओगे बहुत बच्चे आंसर कुछ बच्चे पीला लगाएंगे जो बच्चे पहले पढ़े हुए क्लास में ठीक है चौथा क्वेश्चन हुआ पांचवा क्वेश्चन देखिए कनिष्क जो है कनिष्क ने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी मगध की जगह कौन से शहर में करी थी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर मगध की जगह कौन से शहर में करी थी आंसर क्या है ठीक है तो मगध की जगह जो है किसमें पेशावर ठीक है पाकिस्तान में आज के समय पेशावर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है छठा क्वेश्चन देखेगा नंदा डायनेस्टी के फाउंडर का नाम बताइए बड़े अच्छे क्वेश्चन है इस वाले सेट में ना रात को सात बजे मैं सीरीज जो कराने वाला हूँ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ज़रूरी है आपके लिए ठीक है हम डिवाइड कर रहे हैं ब्लैक सीरीज सुबह रख रहे हैं वाइट सीरीज शाम को रख रहे हैं और दोनों बहुत जरूरी हो जाएंगे और सो चैप्टर अलग से आपके कंटेंट सिलेबस पढ़ना है सुबह पढ़ना स्टार्ट करो रात तक पांच चैप्टर पढ़ लो गैप कर करके ठीक है और नेक्स्ट लिखने वाले नेक्स्ट लिखते रहो ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का महापद्मा इस क्वेश्चन का आंसर है सातवा क्वेश्चन भारत ने बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है कब ऑर्गेनाइज करी बड़ा अच्छा क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर है बताइए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर के।, तुम, तुम के देखो ना तुम क्या पेपर में लिमिट कर सकते हो क्वेश्चन को कि यही क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है बट जब हम उस चैप्टर को ही पढ़ के चलेगे तो फिर कुछ भी आए क्वेश्चन सोल्व होगा अगर मैं मिसलेनियस दस हजार क्वेश्चन पढ़ा दू ना मैं ये गारंटी नहीं कह सकता कि क्वेश्चन सारे आएंगे लेकिन जब मैं सारे चैप्टर करा दू तब मैं कह सकता हूं क्वेश्चन सारे आएंगे तुम्हें इस चैप्टर से ही तैयार करके जाना इसलिए कहता हूं सिलेबस पढ़ो सिलेबस पढ़ो ठीक है ध्यान रखना सारे के सारे पूरे सो चैप्टर सिलेबस है इसलिए कहता हूं उसको पढ़ के जाओ क्वेश्चन कहीं से भी आए फिर बी एस एक दिसंबर नाइनटीन सिक्सटी आठवा क्वेश्चन देखिए बताइएगा दमदमा लेक कौन सी स्टेट में है जल्दी से बताइएगा दमदमा लेक कौन सी स्टेट में जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का क्या है है ना चलिए तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का हरियाणा इस क्वेश्चन का आंसर है एक और क्वेश्चन देखिए नोमा क्वेश्चन चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा हाँ बेटा मास्टर पकाते बहुत इसलिए पकाते कहीं कच्चे नारे जाओ ठीक है कच्चे रह जाओगे तो खेल ना पाओगे ढंग से पको बढ़िया से है ना आंसर क्या है बोराल वर्ड सेंचुरी कहाँ पे है तो इस क्वेश्चन का आंसर कर्नाटका इस क्वेश्चन का आंसर कच्चे खिलाड़ी हमेशा हार जाया करते हैं ठीक है इसलिए पकाते मास्टर जी लो जवाब कर्नाटका इस क्वेश्चन का आंसर दसवां क्वेश्चन तुलिहाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे जल्दी से बतीगा कमेंट करिए जल्दी से बताइए तुलिहाल बुरे हाल बिना किसके पैसों के है ना आंसर के इस क्वेश्चन का ये इस क्वेश्चन का आंसर है मणिपुर ठीक है मणिपुर इस क्वेश्चन का आंसर है ग्यारहवा क्वेश्चन कंचनजंगा स्टेडियम जो है कौन सी स्टेट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है चल जैसे कंचनजंगा है कन, नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं भाई लेकिन फिर भी आंसर क्लियर कट है वेस्ट बंगाल इस क्वेश्चन का आंसर है ठीक है सिक्किम मत ढूंढो अब इसमें ना चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा बारहवा क्वेश्चन बताइए बर्त बर्तलोन पार्क कहाँ पे बताइए बताइए कहाँ पे इस क्वेश्चन का बर्तलोन पार्क कहाँ पे मुश्किल ही है पच्चीसवें पच्चीस लाना मुश्किल है बहुत ज्यादा मुश्किल है बर्टलोन पार्क कहाँ पे लोकेट है बारहवा क्वेश्चन है देखते हैं कौन लाता है स्पीड आंसर इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन 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 का का आंसर अच्छा मेरा आज चैप्टर किसने 35 पे थे ना हमने पैंतीस पे बोचे थे एक बार यस लिखो जो पैंतीस कर लिया है वो यस लिखेगा और जो पैंतीस की जगह दस चैप्टर ही किया है पंद्रह ही किया है तो चैप्टर लिख के यस लिखेगा अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दीजिए भैया कितना कर रहे हो खुद से खुद से कितना कर रहे हो हम तो करा रहे हैं खुद से कितना चैप्टर पढ़ लिया सौ चैप्टर में से पैंतीस चैप्टर जो पढ़ लिये वो यस लिखेंगे और जो जितने भी पढ़े हैं एक बार लिख देंगे कि इतने चैप्टर पढ़ चुके हैं सर सौ तक पहुंचाएंगे पूरा जल्दी से चैप्टर की बात ही कर रहे हैं हमेशा करते हैं हर दिन करते हैं क्योंकि जरूरी है आंसर लुम्बनी है चलिए एक और क्वेश्चन देखिए फोर्टीन क्वेश्चन मुतकाडी डांस जो है कौन सी स्टेट का डांस है मुश्किल क्वेश्चन बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का आंसर क्या है इस क्वेश्चन का साथ ही पढ़े हैं पढ़ लो भाई चलिए तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का मुतकाडी डांस कौन सी स्टेट का नहीं आता डांस फॉर्म पढ़ोगे पोचोगे वहां तक तभी तो होगा कुछ आंसर क्या है इस क्वेश्चन का तो इस क्वेश्चन का आंसर है मुतकाडी डांस गुजरात का है टिप टिप बरसा पानी तिपारी डांस सबको पता है गुजरात का लेकिन मुतकाडी भी पता होना चाहिए भाई मुश्किल क्वेश्चन है मैं मानता हूं यह क्वेश्चन मुश्किल है पंद्रवा क्वेश्चन देखिएगा जाकू टेम्पल बहुत फेमस है ठीक है अगर आप जा रहे हो ठीक है इस लोकेशन पे टूरिस्ट प्लेस है बर्फ़ ही बर्फ ठीक है सर्दियों में ठीक है ना के बराबर आंसर क्या इस क्वेश्चन का शिमला इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि हिमाचल प्रदेश ठीक है हिमाचल प्रदेश में है जाको टेम्पल हनुमान जी का मंदिर है ठीक है सोलवा क्वेश्चन देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर में कैसे होती है ई वेव्स कैसी होती है बताइए आंसर के फुल फोकस होना चाहिए स्कोर करो बढ़िया से कितने ही होते हैं पच्चीस क्वेश्चन दस मिनट से भी कम का समय लगता है पच्चीस क्वेश्चन करने में ठीक है चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का आंसर है है अनुप्रस्थ ठीक क्वेश्चन बताइएगा रबड़ को सॉलिड बनाने के लिए क्या डाला जाए बताइए रबड़ को सॉलिड बनाना है तगड़े से सॉलिड बनाना है क्या करा जाए उसका आइसोप्रीन है मासूम सा है आइसोप्रीन को न्यूक्रीन में कन्वर्ट करने के लिए वेलकनाइजेशन करेंगे दैट इज सल्फर ठीक है डैट इज सल्फर ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा अठारह क्वेश्चन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये कहां पे लोकेटेड है ठीक है आंसर के इस क्वेश्चन का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये कहां पे है इस क्वेश्चन का आंसर क्या चलिए तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का आंसर हैदराबाद ये क्वेश्चन फंसना था फंस गया ठीक है चाहे आप इस पेपर में बच्चीस में से पच्चीस ना ला पाओ लेकिन कोशिश पूरी करो क्योंकि थोड़ा मुश्किल पेपर है ठीक है संस्कृत लैंग्वेज के रिवाइवल पे किसने काम किया था बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का किसने संस्कृत के रिवाइवल पे काम किया था ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का तो आंसर है गुप्तास जो गुप्तास थे उन्होंने संस्कृत के रिवाइवल पे ज़्यादा काम किया ठीक है चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बीसवा क्वेश्चन देखिएगा आमिर खुसरो कौन से शासक के, के, के समय में थे जल्दी से बताइए आमिर खुसरो कौन से शासक के समय में थे इस क्वेश्चन का आंसर क्या ठीक है दोस्तों आमिर खुसरो कौन से शासक के समय में थे यह भी क्वेश्चन अच्छा है आंसर इस क्वेश्चन का ग्यासुद्दीन तुगलक ठीक है 21वां क्वेश्चन गोलकोंडा फूड जो है कौन सी स्टेट में लोकेट है बता चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है चलिए तो इस क्वेश्चन का, का आंसर क्या है आंसर तेलंगाना है बाईसवा क्वेश्चन देखिएगाइज किया था सोच समझ के लगाना ठीक है आंसर आंसर है इस इस क्वेश्चन क्वेश्चन का का गांधार किसने किया था क्या तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि भैया ये शाखा और कुशांश के द्वारा पैटर्नाइज किया गया क्वेश्चन आपको मिल सकता है ठीक है एक और क्वेश्चन देखिएगा तेईसवा क्वेश्चन प्लानिंग कमीशन के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन है ठीक है है ना चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मत इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, है ना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर है ठीक है प्राइम मिनिस्टर इस क्वेश्चन का आंसर है चौबीसवा क्वेश्चन कर कथम जो है ये कौन सी स्टेट का फोक डांस है भाई जिसने 25 में से 25 लाए हैं वेल्डन और जिसने 25 में से 24 लाए हैं नोट वेल्डन भैया हमारी इंग्लिश ऐसी है इतना समझ लो कि तुम्हारे 25 में 25 इधर नहीं आ रहे तो पेपर में 20 नहीं आएंगे और 20 नहीं आएंगे तो क्या ही कर लोगे तीन तीन नंबर का अगर एक एक क्वेश्चन एम के हिसाब से देख लूँ तो उस हिसाब से कुछ नहीं होने वाला ठीक है आंसर इस क्वेश्चन का तमिलनाडु है पच्चीसवा क्वेश्चन संयुक्ता पनीगरी जो है कौन सी डांस फॉर्म में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रही आंसर कहें ये इलाज सिर्फ एक ही है जितना सेल्फ स्टडी से चैप्टर रिवाइज कर लोगे उतना ही अच्छा परफॉर्म करोगे वही बच्चा परफॉर्म कर पाएगा अच्छा जो कंटेंट खुद से सेल्फ स्टडी में करता है सेल्फ स्टडी का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता ध्यान रखना उड़ीसा इस क्वेश्चन का आंसर उड़ीसी ठीक है तो आप सारे के सारे मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो अमन सर वाइफ स्टडी सेल्फ स्टडी के लिए कंटेंट जो मैंने दे रखा है वो अपने आप में सिलेबस है पूरा ठीक है अपने आप में सिलेबस है पूरा मैं जितना करा लूं मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारा क्वेश्चन कराया जाए लेकिन मैं तब भी आपको सो चैप्टर एक साथ नहीं पढ़ा सकता लेकिन आप खुद से पढ़ सकते हो पूरा जीएस का सिलेबस एग्जाम कोई भी हो इिस्पेक्टिव ऑफ एग्जाम हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक साइंस स्ट्रेटेजी जीके करंट अफेयर सब मेरे सो चैप्टर में है एक पीडीएफ पूरा सिलेबस टेलीग्राम अमन सर वाई फे स्टडी ऑफिशियल सर्च करो बस ध्यान रखना है जब सर्च करोगे पूरा सर्च करना अमन सर वाई फे स्टडी ऑफिशियल कंटेंट आपके हाथ में होगा तो आप अपने आप कोशिश कर पाओगे यार कुछ करने की जब तक तुम्हारे पास है ही नहीं तलवार तो क्या चलाओगे ठीक है हाथ से जुड़े कराटो भी नहीं होंगे आज के समय ना तो भैया अपना कंटेंट पढ़ना स्टार्ट कर दो उसपे पांच पाँच चैप्टर दस दस चैप्टर पे मेहनत करना स्टार्ट कर दो जब स्टार्ट कर दोगे तो दस दिन में खत्म कर लोगे तीस दिन है पूरे तीन बार रिवाइज करोगे कैसा ना होगा चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा चाहे फिर आप कितने ही क्वेश्चन पढ़ लो मैं तो फोकस सो चैप्टर पे इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जब आपका सिलेबस कवर होगा ना अपने आप अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा हरा ये सारे चैप्टर कर रखे हैं मैंने नेशनल पार्क कर रखा है डायनेस्टी फाउंडर्स कर रखा है सब मैंने कर रखा है क्या दिक्कत है क्या करना है सिंपल सा है टेलीग्राम पे जाना है अमन सर वाई फाई स्टडी ऑफिशियल पूरा सर्च करना ऊपर ही ग्रुप आ जाएगा जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे कनेक्टेड होंगे उसमें जुड़ जाना कंटेंट अवेलेबल होगा ऊपर तक रिव्यूज देखो आप समझ जाओगे कि हर बच्चा इस चीज पे फोकस क्यों कर रहा है बच्चे को फायदा हो रहा है तभी तो मेरी क्लास का बच्चा इस कंटेंट पे पढ़ रहा है कुछ बच्चे प्रिंट निकाल के पढ़ रहे हैं कुछ बच्चे फोन से ही पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ रहे हैं ठीक है क्योंकि उनको इससे फायदा हुआ है बच्चों ने 25 में से 25 निकाले हैं। जीडी वालों ने 20 में से 18, 19 आराम से निकाले हैं सीजीएल ने बढ़िया परफॉर्म किया है कैसे सो so चैप्टर पढ़ पढ़ के आप भी पढ़ लो काम आएगा ठीक है चलिए तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का ट्राई करिएगा जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ सको उतने पढ़ो मेरे ख्याल से सा तो सारा पढ़ो बाकी सेशन को लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब